एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है पजेशन। तो पजेशन क्या होता है? देखो, पजेशन को हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पास होना। किसी चीज को खुद के पास होने की क्रिया को हम पजेशन बोलते हैं। तो पजेशन बोलते हैं तो फर्स्ट है हमारा हैज, हैव या हैव्ज। तो देखो, हैव कहाँ पे लगाएंगे, हैज कहाँ पे लगाएंगे? ये जो लगेगा हैव या हैज, ये लगेगा हमारा सिंगुलर, सॉरी प्रेजेंट के साथ। किसके साथ लगेगा? प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट के टेंस के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव या हैज लगाएंगे। प्लस जब हैड लगाएंगे तो हैड हम लगाएंगे पास्ट के साथ। किसके साथ लगाएंगे? पास्ट के साथ। पास्ट टेंस जब हम बताएंगे, सॉरी पास्ट टेंस जब हम बताएंगे, जब हम पास्ट टेंस बताएंगे तो वहाँ पे हैड लगाएंगे। और डिड हैव कहाँ पे लगाएंगे? देखो, डिड हैव हम नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे? क्या बनाएं? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव बनाएंगे। वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डिड हैव लगाएंगे, डिड हैव लगाएंगे। और अगर हम हैड लगाएंगे तो हैड जो है सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। हम प्रेजेंट में हैव या हैज लगाते हैं ना, तो उसी को हम जब पास्ट में बनाएंगे तो हैड लगा देंगे। जब हम पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो डिड हैव लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे फिर भी डिड हैव लगाएंगे, प्लस नेगेटिव लगा। जब नेगेटिव बनाएंगे तो प्लस करके आप नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। ये है हमारा पजेशन का हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, हैव कहाँ पे लगेगा? जो हैव, हैज लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, या किसी एक पर्सन का नाम जो सिंगल नाम होता है उसके साथ हम हैज लगाएंगे। प्लस हैव कहाँ पे लगाएंगे? तो हैव हम लगाते हैं प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? यू, दे, वी, या प्लूरल नाम, मतलब एक या दो से अधिक जो व्यक्ति का नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो ये था हमारा इसमें का हैज हैव का यूज करना। अगर हम डिड नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। तो देखो, ये जो डिड नॉट प्लस हैव टू, ये है हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव का, पास्ट नेगेटिव टेंस का, पास्ट नेगेटिव टेंस का हमारा स्ट्रक्चर है डिड नॉट। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू, जो अगर हम प्लस अदर वर्ड, ये हो जाता है हमारा क्या? इंट्रोगेटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ हम नॉट लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ हम क्या लगा देंगे? डिड एंड हैव टू लगा देंगे, हैव टू लगा देंगे। ये होता हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टेंस के साथ। इंट्रोगेटिव के साथ डिड हैव नॉट लगाते हैं, और नेगेटिव के साथ हम डिड नॉट हैव टू लगा देते हैं। तो इसमें का कुछ स्ट्रक्चर है, सॉरी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारा पहला क्या कहता? आई डैश अ कार, मतलब ये कह रहा कि मेरे पास एक कार है, एक कार है। तो आई के साथ हमने क्या बताया था कि आई के साथ हम लगाते हैं हैज। आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। आई के साथ हम हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे आई है तो इसका मतलब हम हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। आई हैव
अ कार। नेक्स्ट आता है हमारा ही। ही का मतलब होता है वह। वह किसको, ये लड़का जब रहेगा तो लड़का के लिए हम ही का यूज करते हैं, प्लस सी का यूज हम लड़की के लिए करते हैं। किसके लिए? लड़की के लिए। लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं। सी का मतलब भी होता है वह, और ही का मतलब होता है वह लड़का के लिए होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो हम ही जो है, ही डैश नोटबुक, मतलब उसके पास एक नोटबुक थी, बुक है। तो यहाँ पे ही है तो इसका मतलब हम हैज लगाएंगे। ही हैज नोटबुक। ये सी है तो शी हैज अ बुक, उसके पास एक बुक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दे डैश टू हाउस। टू हाउस मतलब दो हाउस हैं, तो हैव लगेगा, सॉरी टू लग हैव है ना, हैव टू हाउसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी डैश टू पेंटिंग, मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास टू पेंटिंग्स है। तो यहाँ पे वी का मतलब, ये देखो, दे का मतलब होता है वे, ठीक, और वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब हम, तो ये प्लूरल हुआ, तो प्लूरल हुआ तो हम हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो आई होप पजेशन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।